स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आलोक सिंह। यूपी बीजेपी प्रभारी अमित शाह ने वाराणसी जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमित शाह ने कहा कि प्रशासन शरारत कर रहा है, प्रशासन ने जानबूझकर देर से अनुमति दी। उन्होंने कहा कि अरुण जेटली ने 8:10 पर चिट्ठी लिखी थी, लेकिन प्रशासन ने 10 बजे अनुमति दी। तो अमित शाह ने वाराणसी जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमित शाह ने कहा है कि प्रशासन शरारत कर रहा है, प्रशासन ने जानबूझकर देर से अनुमति दी। उन्होंने कहा कि अरुण जेटली ने 8:10 पर चिट्ठी लिखी थी, लेकिन प्रशासन ने 10 बजे अनुमति दी। ये बात फिर से एक बार सिद्ध करती है कि प्रशासन शरारत कर रहा है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं, क्योंकि आज रात को 8:10 पर श्री अरुण जेटली ने पत्र लिखकर मुख्य चुनाव आयोग और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दोनों को फैक्स और ईमेल भेज दिया था कि क्योंकि मोदी जी के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए अब समय नहीं बचता, तो हम अब परमिशन की डिमांड कंटिन्यू करते हैं। श्री अरुण जेटली का पत्र 8:10 को मिल गया था और 10 बजे प्रशासन परमिशन देता है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि परमिशन अगर देनी थी तो इतनी देरी क्यों हुई। और कहते हैं, साथ में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि सभा की परमिशन इसलिए नहीं दी जा रही है कि सुरक्षा के कारणों से परमिशन देना उचित नहीं था। निर्वाचन आयोग ने तत्काल इस बात का संज्ञान लेकर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अच्छा चुनाव कराने के लिए वाराणसी से ट्रांसफर करना चाहिए। हमारी मांग आज भी चालू है और कल का धरने का कार्यक्रम भी भारतीय जनता पार्टी का चालू है। मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और रिटर्निंग ऑफिसर को पूछना चाहता हूं, कौन सी एजेंसी का रिपोर्ट आपके पास से है, कौन सी एजेंसी का इनपुट आपके पास में है जो कहता है कि श्री मोदी की रैली बेनियाबाग में नहीं हो सकती। अगर इस तरह का कोई रिपोर्ट है तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करे, लोगों के सामने रखे, वाराणसी और देश की जनता के सामने रखे। मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और रिटर्निंग ऑफिसर को पूछना चाहता हूं। हमारे साथ अमित सिंह जुड़े हुए हैं वाराणसी से, जी मीडिया संवाददाता। अमित शाह ने भी काफी गंभीर आरोप लगा दिए और इसे साफ तौर पर प्रशासन की शरारत करार दे दिया और यह भी साफ कर दिया है कि बीजेपी ने जो स्टैंड दिया है वो उस पर कायम रहेगी और कल भी धरना प्रदर्शन होगा। देखिए लोग, बीजेपी ने जिला प्रशासन के साथ दो दो हाथ करने का मन बना लिया है और आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है बीजेपी। जिस तरीके से आनंद फानंद में जिला प्रशासन ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाकर और सभी 4 महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम थे उनको निरस्त करने के बाद उनको फिर से सहमति दी, अपनी अनुमति दी, इसको लेकर बीजेपी बेहद नाराज दिख रही है कि अगर यही सब कुछ करना था प्रशासन को तो समय रहते प्रशासन ने ये सब क्यों नहीं किया। दोपहर कल 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 सुबह 1:30 तक यानी आधी रात तक बीजेपी के कार्यकर्ता को जिलाधिकारी अपने आवास पर बिठाए रखे और अंत में उन्होंने अनुमति नहीं दी। आज सुबह से लगातार चक्कर काट रहे थे जिलाधिकारी के कार्यालय का, लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता, पार्टी के वरिष्ठ नेता, लेकिन बावजूद जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। जब कॉन्फ्रेंस बीजेपी ने की और कॉन्फ्रेंस करने के बाद अरुण जेटली ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा, उसके बाद आनंद फानंद में जिला प्रशासन एक कॉन्फ्रेंस बुलाकर सभी कार्यक्रमों की अनुमति देता है, इसको लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं अब ये सोच रही है कि जो रिटर्निंग अफसर हैं वो किसी के दबाव में काम कर रहे हैं, जहां से उनको संकेत मिल रहा है, संदेश मिल रहा है और उसी संकेत पर वो आगे बढ़ रहे हैं। लिहाजा कल का जो कार्यक्रम था नरेंद्र मोदी का, वो सभी कार्यक्रम बीजेपी ने निरस्त कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ जो रोहनिया की रैली होनी थी, चुनावी जनसभा, उसको नरेंद्र मोदी उसमें शिरकत करेंगे, उस सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद
जो कल धरने का कार्यक्रम था वो जारी रहेगा। नई दिल्ली में भी और वाराणसी में भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता धरने पर बैठेंगे और वाराणसी प्रशासन के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। तो निश्चित रूप से अब बीजेपी और जिला प्रशासन आमने सामने है। जिला प्रशासन एक कदम पीछे जरूर हटा, लेकिन बीजेपी का मानना है कि वो किसी और के दबाव में किसी और के इशारे पर काम कर रहे हैं। आलोक अमित, इससे पहले बिनियाबाग को छोड़कर के सारी मंजूरी दे दी गई थी प्रशासन की तरफ से, पांच पॉइंट थे, चार पॉइंट पे मंजूरी दे दी गई, लेकिन जो बड़ी बात है रैली करने को लेकर के बीजेपी भी उस बात पर अड़ी हुई है कि उसे रैली करनी है बिनियाबाग में, क्योंकि दूसरी जगह जो दी जा रही है उसमें सिर्फ 2000 लोग ही आ सकते हैं। देखिए, तो सवाल बिनियाबाग की जनसभा का नहीं है, सवाल है जिस तरीके से प्रशासन ने काम किया, जिस तरीके से प्रशासन का एटीट्यूड सामने आया। ये क्या तरीका है कि दो घंटे पहले आप कहते हैं कि यहाँ कानून एवं व्यवस्था को ध्यान में रखकर, सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखकर हम आपको अनुमति नहीं दे सकते हैं, और दो घंटे बाद फिर बिल्कुल यू टर्न लेकर कहते हैं कि बिनियाबाग को छोड़कर बाकी सभी जगह हम आपके कार्यक्रम को अनुमति देते हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन, रिटर्निंग अफसर, जिलाधिकारी दबाव में है और किसी और जी तक हमारी आवाज, अमित की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। बहरहाल, इससे पहले करीब 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी प्रशासन की तरफ से। प्रशासन ने वाराणसी में बिनियाबाग में रैली को छोड़कर नरेंद्र मोदी के बाकी कार्यक्रमों को मंजूरी भी दी थी। गंगा आरती और होटल सूर्या में बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की अनुमति प्रशासन ने दी थी, लेकिन अमित शाह ने अब से थोड़ी देर पहले यह साफ कर दिया है कि इसी के रवैये पर उन्होंने सवाल उठाए हैं और उन्होंने डीएम के तबादले की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रशासन शरारत कर रहा है। तो इससे पहले 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी प्रशासन ने वाराणसी में बिनियाबाग में रैली को छोड़कर नरेंद्र मोदी के बाकी कार्यक्रम को मंजूरी दे दी थी। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती और होटल सूर्या में बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की अनुमति भी प्रशासन ने दे दी थी। सुरक्षा कारणों से इसको अनुमति दी है। छोटा कटिंग के आसपास बड़ी चौड़ी सड़कें हैं, वहाँ कंजेस्टेड एरिया है और छोटी छोटी सड़कें हैं पास में, और वहाँ पर अगर ज्यादा भीड़ हो जाती है तो फिर समस्या हो सकती है। इसीलिए अगर उसमें ज्यादा भीड़ हो जाती है, अगर जैसा कि सभा में होता है इनकी, अगर ज्यादा भीड़ होती है तो वहाँ समस्या उत्पन्न हो सकती थी, यातायात की भी समस्या, व्यस्तम चीजें, अन्य भी कई कारण सुरक्षा की, उस वजह से निकली। एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, उन्हीं के साइन से एप्लीकेशन है और हम लोगों ने इसको अलाउ कर दिया है। वो चाहें तो इस वेन्यू पे बड़े आराम से जनसभा करें। जी, वो अनुमति वगैरह सब हो गई, पांच में से चार हमने दे दी, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपना प्रोग्राम कर सकते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के आरोपों पर जवाब दिया है। एसपी नेता रामगोपाल यादव ने कहा है कि इस वक्त पूरा प्रशासनिक महकमा चुनाव आयोग, इसमें राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, पूरा प्रशासन इलेक्शन कमीशन के अधीन है, समाजवादी पार्टी की सरकार से कोई वास्ता नहीं। जिस दिन से आचार संहिता लागू हो जाती है, घोषणा हो जाती है, इलेक्शन की डेट्स तय हो जाती हैं, उस दिन से पुलिस के सिपाही से लेकर डीजीपी तक और लेखपाल से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक इलेक्शन कमीशन के अधीन हो जाता है। समाजवादी पार्टी की सरकार पर इस तरह का आरोप लगाना, ये केवल बीजेपी की बौखलाहट का नतीजा है, हताशा का नतीजा है, क्योंकि बीजेपी निश्चित रूप से पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव बड़े पैमाने पर हारने जा रही है। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन पर लगी रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटा ली है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 18 दिसंबर के नोटिफिकेशन के आधार पर ही एडमिशन होंगे, साथ ही दूसरे राज्यों से आए छात्रों को भी राहत नसीब हुई है। कोर्ट ने 24 छात्रों को एडमिशन देने का आदेश दिया है, जिन्हें अब दाखिले में एक्स्ट्रा 5 नंबर दिए जाएंगे। नर्सरी एडमिशन को हरी झंडी, पेरेंट्स को मिली एससी से राहत। दिल्ली में 5 महीने से चली आ रही नर्सरी एडमिशन की अनिश्चितता आखिरकार खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने नर्सरी एडमिशन पर से रोक हटा दी है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के ट्रांसफर कोटे को खत्म करने के आदेश को सही ठहराया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया दिल्ली सरकार के 18 दिसंबर के नोटिफिकेशन के मुताबिक ही होगी। स्कूलों को उन सभी बच्चों को दाखिला देना होगा जिसके पेरेंट्स ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से उन 24 बच्चों के लिए सीटें बढ़ाए जाने के लिए कहा है जिनके पेरेंट्स ने अपने बच्चों के एडमिशन के लिए कोर्ट में अपील की थी। इससे पहले नर्सरी एडमिशन विवाद में इंटर स्टेट ट्रांसफर के पॉइंट सबसे बड़ा मसला बन चुका था। ये मामला तब विवादों में आया जब ट्रांसफर कैटेगरी के लिए दिए जाने वाले 5 पॉइंट को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तब दिल्ली सरकार ने कोर्ट से कहा था कि इस कैटेगरी में कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं, लिहाजा सरकार इस सिस्टम को खत्म करने जा रही है। 27 फरवरी को इंटर स्टेट ट्रांसफर कैटेगरी के आधार पर दिए जाने वाले 5 पॉइंट के सिस्टम को खत्म कर दिया था। नियम के तहत 18 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को 70 पॉइंट्स दिए जाते हैं। एलजी के आदेश में कहा गया था कि अगर किसी स्कूल ने 70 पॉइंट पाने वाले बच्चे के लिए लॉटरी निकाली है तो वो सिर्फ सेलेक्ट आवेदकों के लिए वैध होगी। नए सिरे से ड्रॉ उन आवेदकों के निकाले जाएंगे जिन्होंने इंटर स्टेट ट्रांसफर कैटेगरी के चलते 75 पॉइंट्स हासिल किए थे, जिसके बाद इंटर स्टेट ट्रांसफर के मामले में 22 पेरेंट्स ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और अपील की थी कि उनके बच्चों का एडमिशन 18 दिसंबर के नोटिफिकेशन के मुताबिक बनाए गए क्राइटेरिया के मुताबिक हो रहा था, लेकिन बाद में ट्रांसफर के पॉइंट्स खत्म कर दिए गए और उनके बच्चे को लाभ से दूर कर दिया गया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब जहां इंटर स्टेट ट्रांसफर मामले में पेरेंट्स को राहत नसीब हुई है, वहीं कई निजी स्कूलों को एडमिशन की प्रक्रिया में विवादों से छुटकारा मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एनएसईएल घोटाले के सिलसिले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है। ईओडब्ल्यू ने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के प्रमोटर जिग्नेश शाह को गिरफ्तार कर दिया है, साथ ही एमसीएक्स के पूर्व प्रमुख श्रीकांत जावलेकर को भी गिरफ्तार कर दिया है। पुलिस ने एनएसईएल घोटाले के कई महीनों बाद दोनों को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के बाद एनएसईएल जांच में तेजी आने की उम्मीद है। एनएसईएल घोटाला करीब 5,600 करोड़ रूपये का था। इस घोटाले में ईओडब्ल्यू के साथ ईडी भी जांच कर रहा है। एनएसईएल घोटाले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने लंबी पूछताछ के बाद एफटीआईएल के फाउंडर जिग्नेश शाह को गिरफ्तार कर लिया। ईओडब्ल्यू के मुताबिक जिग्नेश शाह और श्रीकांत जवलगेकर को एनएसईएल के साजिश की सारी जानकारी थी। ईओडब्ल्यू का कहना है कि एनएसईएल का मुनाफा गलत तरीके से एफटीआईएल में भेजा जाता था। ईओडब्ल्यू की जांच में यह भी पता चला है कि एनएसईएल की सहयोगी कंपनी आईबीएनए के ज्यादातर क्लाइंट फर्जी थे। पैसों को दूसरे खातों में ट्रांसफर करने के लिए आईबीएनए का इस्तेमाल किया जाता था। यह भी दावा है कि एनएसईएल के सारे कॉन्ट्रैक्ट की मंजूरी खुद जिग्नेश शाह देते थे। ईओडब्ल्यू के मुताबिक एनएसईएल का इस्तेमाल एक्सचेंज के तौर पर नहीं बल्कि फाइनेंस कंपनी के तौर पर होता था। एनएसईएल घपले में अब तक जितनी भी रिपोर्ट आई है सब में एफटीआईएल और एमसीएक्स के मैनेजमेंट पर सवाल उठाए गए हैं। ज्यादातर रिपोर्ट में पाया गया है कि एक्सचेंज के कारोबार के सारे आंकड़े फर्जी थे। एक्सचेंज के नियमों को ताक पर रखकर कामकाज होता था, बिना किसी कोलैटरल के ही सौदे किए जाते थे। गोदामों में स्टॉक का सारा ब्यौरा गलत था। ग्रुप कंपनियां ही फर्जी ग्राहक बनाकर एक्सचेंज पर इनसाइडर ट्रेडिंग करती थी। ईओडब्ल्यू टीम हैज फाउंड आउट दैट श्री जावड़ेकर एंड श्री जिग्नेश शाह हैड अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी विद अदर अक्यूज्ड हु वर रनिंग दिस पर्टिकुलर एक्सचेंज एज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एंड विच हैज लेड टू द डिफॉल्ट टू द इन्वेस्टर्स टू द ट्यून ऑफ 5,600 करोड़ रुपीज। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ही इससे पहले एनएसईएल के पूर्व सीईओ अंजनी सिन्हा और एनएसईएल के कई बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार कर चुकी है। मामले की सुनवाई एनपीआईडी कोर्ट में जारी है। तरुण शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। मीट एक्सपोर्टर और हवाला नेटवर्क चलाने के आरोपी मोइन कुरैशी ने इनकम टैक्स अधिकारियों पर जेल भेजने की धमकी देने का आरोप लगाया है। जी मीडिया की खबर के मुताबिक कुरैशी ने डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन को चिट्ठी लिखकर यह आरोप लगाया है। चिट्ठी में कुरैशी ने इनकम टैक्स रेट के दौरान नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया। कुरैशी ने इनकम टैक्स विभाग से जब्त दस्तावेजों की कॉपी मांगी है। इनकम टैक्स विभाग कुरैशी के आरोपों पर जवाब तैयार कर रहा है।
मुंबई समेत रेलवे के वेस्टर्न रीजन के यात्रियों के लिए वेस्टर्न रेलवे ने एक नई टिकट बुकिंग स्कीम लागू की है। वेस्टर्न रेलवे ने तत्काल टिकट के लिए स्कीम तत्काल 25 लागू की है। इस बुकिंग प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए यात्रियों को एक दिन पहले स्टेशन मास्टर के पास अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर करके खुद को रजिस्टर कराना होगा। वेस्टर्न रेलवे ने तत्काल टिकट में पहले 25 यात्रियों को टिकट बुक कराने के लिए एक नई योजना बनाई है। इस नई स्कीम के तहत तत्काल टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को एक दिन पहले स्टेशन मास्टर के पास अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर तथा हस्ताक्षर करके खुद को रजिस्टर कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के वक्त आवेदनकर्ता को अपने पहचान पत्र की एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी देनी होगी। रेलवे के मुताबिक ये स्कीम वेस्टर्न रेलवे डिवीजन में लागू की जाएगी और पहले 25 लोगों को इसका लाभ मिलेगा। रजिस्ट्रेशन कराने वाले व्यक्ति दूसरे दिन सुबह 8 बजे आकर अपना तत्काल टिकट बुक करा सकते हैं। अवैध बुकिंग पर लगेगा अंकुश। वेस्टर्न रेलवे के मुताबिक तत्काल 25 स्कीम लागू करने के बाद अवैध टिकट बुकिंग और दलालों पर अंकुश लग जाएगा। रेलवे के अनुसार पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर नाम रजिस्टर कराने वाले 25 लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। मौजूदा वक्त में चर्च गेट विरार के बीच ऐसे 43 काउंटर हैं जहां तत्काल 25 स्कीम लागू होगी। आने वाले वक्त में इसकी संख्या बढ़ाने की बात की जा रही है। इसके अलावा महिलाओं के लिए सेल्फ तत्काल टिकट बुकिंग काउंटर होगा। चर्च गेट, मुंबई सेंट्रल, अंधेरी, बोरीवली एवं सूरत स्टेशनों पर उपलब्ध कराए गए हैं। इन काउंटरों पर तत्काल टिकट बुक कराने वालों को अपने पहचान पत्र के साथ पहचान पत्र की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी काउंटर पर देनी होगी। बहरहाल वेस्टर्न रेलवे की ओर से लागू इस योजना का मकसद सही यात्री को लाभ देना है, जिसके बेहतर परिणाम साबित होने के बाद कई और शहरों में यह कारगर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब खबर नोएडा से, जहां आज सुबह एक गैस पाइपलाइन फटने से अफरा तफरी मच गई। और जहां ये गैस पाइपलाइन फटी वो इलाका नोएडा के पॉश इलाकों में से एक है। ये तस्वीरें किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती थी। ये तस्वीरें हैं गैस पाइपलाइन फटने की। गैस पाइपलाइन क्यों और कैसे फटी, इसकी वजह से हम पर्दा बाद में उठाएंगे। पहले इस इलाके पर गौर फरमाइए। ऊंची ऊंची इमारतें, राह चलते लोग, भीड़ भाड़ वाला इलाका, ये है नोएडा का सेक्टर 18, जहां सुबह सुबह गैस पाइपलाइन फटने से हड़कंप मच गया। दरअसल यहां नोएडा प्राधिकरण का निर्माण कार्य चल रहा था और सड़क के बीचों बीच पाइप होने की वजह से काम कर रहे लोगों का ध्यान वहां नहीं गया और खुदाई के दौरान गैस पाइप फट गया। पाइपलाइन फटने के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। कुछ देर बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन गैस लीकेज पर काबू नहीं पाया जा सका। ये सब हमें पाइप में लग गया तो हवा निकलने लग गई। गैस किस चीज का गैस है? ये गैस सिलेंडर खाने के लिए बनता है, यूज होती है चारों लोग नोएडा में। दमकल विभाग की कड़ी मशक्कत करने के बाद आईजीएल कर्मियों को इस बात की सूचना मिली और तब कहीं जाकर गैस लीकेज को बंद करवाया गया। अगर वक्त रहते गैस लीकेज पर काबू नहीं किया जाता तो यकीनन कोई बड़ा हादसा हो सकता था। अब सवाल ये उठता है कि अगर गैस लाइन निर्माण की जगह से गुजर रही थी तो आईजीएल कंपनी ने इसकी सूचना क्यों नहीं दी और क्यों प्राधिकरण के निर्माण वाली कंपनी ने लाइन के बारे में पूछताछ नहीं की। अमित चौधरी, जी मीडिया, नोएडा। खबरों के साथ हर नजरिए की बात करती हुई जी संगम की एलईडी वैन लखनऊ में है। आज लखनऊ में विधानसभा के ठीक सामने एलईडी वैन लगाई गई। अपने बीच इस एलईडी वैन को देखकर लोग खासा खुश नजर आए। वैन को देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक पहुंचे और उन्होंने राजनीति से लेकर मुद्दों पर अपनी राय रखी। चाहे पार्टियों का मिलन हो, चाहे देश का मिलन हो, चाहे विकास का मिलन हो, वो समय पैदा होता है। और मेरी यही इच्छा है कि अच्छा संगम आवे और अच्छी सरकार आए। संगम से मतलब है कि जनता को दिखाना, सबको समझाना, चाहे भूत कोरी, चोर कोरी और बदमाशी डकैती जो पड़ रही है, इसको तो कोई गवर्नमेंट आए संभाल। आने वाली सरकार से उम्मीद यही है कि देश का विकास करें और बेरोजगारों को रोजगार दें। नोएडा में भी जी संगम की एलईडी वैन के जरिए लाइव खबरों को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। जी संगम ने अपने दर्शकों के लिए इस मौके पर एक क्विज का भी आयोजन किया।
लिखकर कि उसका सही जवाब देने वालों को पुरस्कार भी दिया। लेकर भर सकते हैं, यहाँ पढ़ सकते हैं, हम सवालों के जवाब पढ़ेंगे और आपसे बात करेंगे। पीजी श्योर है, सवाल का जवाब और दीजिएगा। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुझे बहुत पसंद है, अच्छी बात है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नया लॉन्च किया है, अच्छा लग रहा है। वास्तव में क्विज जो प्रोग्राम है, इससे वास्तव में बच्चे की जो पूरी तरह से वो बढ़ती है, और जी संगम है जो एक क्विज कॉम्पिटिशन आज कर रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो काफी अच्छा दिखाया जा रहा है, ओपन लीफ का हो रहा है और काफी अच्छा भी लग रहा है, एडवेंचरस था। मेट्रो संगम में इतना ही, नमस्कार।